3.5 साल की सजा काटने के बाद माओवाद से तो नाता टूट गया, लेकिन डब्लू उर्फ शैलेश दुबे ने उग्रवादी गतिविधियों से अपने आप को नहीं हटाया। जेल से निकलने के बाद माओवादियों के मिटते अस्तित्व के बीच उसने टीपीसी उग्रवादी संगठन के लिए काम करने लगा। पलामू में माओवादियों के वर्चस्व के दौरान यानी वर्ष 1999 और 2000 में शैलेश गुरिल्ला युद्ध जैसे वारदातों को अंजाम देने में माहिर था, लेकिन 2013-14 से उसने माओवाद छोड़ टीपीसी को अपना अनुभव और ताकत देने लगा। डीएसपी इंस्पेक्टर को लैंडमाइंस विस्फोट में उड़ाने, विश्रामपुर थाना पर हमला करने, सुरक्षा बलों पर हमला करने के करीब 1.5 दर्जन वारदात में शामिल रहकर पुलिस को चुनौती देने वाला फिर पलामू पुलिस के हाथ आखिरकार लग ही गया। नक्सलियों की जन्मस्थली माने जाने वाले पांडू के तीसी बार का रहने वाला शैलेश दुबे उर्फ डब्लू अपने ही घर चुप्पे चोरी आया था। पर आतंक के राह पर चल पड़े डब्लू का आने की भनक पुलिस को लग गई थी, फिर तो बचना मुश्किल था। डीएसपी हीरालाल रवि के नेतृत्व में घेराबंदी कर देवडर बिंदुआ निवासी जमाल हत्याकांड का आरोपी शैलेश दुबे को उसके घर से दबोच पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 32 साल के डब्लू ने आधी उम्र तो मुख्य धारा से भटकने में लगा दी। पलामू पुलिस के लिए जहां ये गिरफ्तारी बड़ी सफलता है, वहीं ऐसे हार्डकोर के मदद से इन संगठनों को नेस्तनाबूद करने में सफलता मिलेगी। जिले का उटारी थाना क्षेत्र के समीप एक गांव, अब वो पांडू थाना में आता है, उटारी का थाना भी पहले उसी में था, तो उसका घर से ही बरामद हुआ है, उसकी जो है गिरफ्तारी हुई है। ये हैं शैलेश दुबे उर्फ डब्लू दुबे, ये पूर्व माओवादी रहे हैं, टीपीसी उग्रवादी संगठन में वो शामिल हो गए और लगातार ये टीपीसी उग्रवादी के ही साथ में थे। ये हाल ही में 2016 में उटारी रोड थाना में एक हत्या हुई थी जलालुद्दीन अंसारी उर्फ जालिम की, और इसके विरुद्ध थाना अंकित किया गया था, हत्या का मामला दर्ज किया गया था, और तब से ये लगातार फरार चल रहे थे। इसकी गिरफ्तारी इसी में की गई है और माननीय न्यायालय के हिरासत में भेजा गया है। इनके विरुद्ध तकरीबन 1.5 दर्जन कांड जो है अंकित किए गए हैं, जो टीपीसी उग्रवादी के समय का है और ये जब भाकपा माओवादी से जुड़े हुए थे उस समय का है।